दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से अपने ईएसआईसी के साथ अपने किसी भी फैमिली मेंबर को ऐड कर पाएंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे। ये सारा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों आपको अपने ईएसआईसी के साथ किसी भी फैमिली मेंबर को ऐड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार में आना है, सर्च कर लेना है ESIC। इतना लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसको ही आपको ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर लॉगिन और इसके बाद सेकेंड ऑप्शन मिलेगा इंश्योर्ड पर्सन लॉगिन या बेनिफिशरी लॉगिन, तो इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओपन कर देने के बाद कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बीमाकृत व्यक्ति लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये आपको दोस्तों सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के लिए यहाँ पर आपको अपना जो इंश्योरेंस नंबर है उसको एंटर कर देना है और जो पासवर्ड यहाँ पर आप बनाएंगे उसको एंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ईएसआईसी पोर्टल है वो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज जो है न्यू ऐड की गई है, जहाँ पर आपको न्यू का लोगो फ्लैश हो रहा है। ये सारी सर्विसेज न्यू लाइव की गई हैं इस पोर्टल पर, जो पहले ये सर्विसेज लाइव नहीं थी। अगर आप अपना किसी भी फैमिली मेंबर का यहाँ पर नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना इंश्योरेंस नंबर दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इंश्योरेंस पर्सन का नेम दिखेगा, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का कोड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका वर्तमान एम्प्लॉयर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडेड पार्टिकुलर्स में यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल और डिस्पेंसरी डिटेल, एड्रेस डिटेल, नॉमिनी डिटेल और फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, ये सारे काम आप खुद से ही ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन से। तो यहाँ पर हमको फैमिली मेंबर को ऐड करना है तो यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का जो पेज है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना इंश्योरेंस नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारे ईएसआईसी के साथ चार जो मेंबर हैं वो ऐड हैं, अभी यहाँ पर एक मेंबर और हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना लाइव प्रोसेस देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको चार मेंबर देखने को मिल रहे होंगे, अब पांचवा मेंबर यहाँ पर हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी डिटेल है वो आधार कार्ड या भी जो भी आपका जो प्रूफ है यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, उसी प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल को फिल कर लेना है। जैसे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और रिलेशन है। इसके बाद आपको जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो जो चार मेंबर अभी तक यहाँ पर आपको दिख रहे थे यहाँ पर पांच हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, जैसे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ प्रूफ अपलोड कर लेना है। अब आपको प्रूफ ऑफ एविडेंस वन में आपको क्या करना है, एक प्रूफ अपलोड कर देना है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी, बहुत सारे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो प्रूफ है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर टू फाइल पर क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन पे आपने उसको रखा होगा वहां से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसका केवल जो साइज है 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो टाइप है डॉक्यूमेंट का वो PDF, JPG या JPEG में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो अभी तक आपने फाइल अपलोड की थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने जो फाइल अपलोड की है वो गलत अपलोड हो गई है तो यहाँ पर आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका फैमिली मेंबर है वो सक्सेसफुली एडिड हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी नाम थे वो यहाँ पर अभी तक चार दिख रहे थे, अब पांचवा नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डिटेल जो है उसको आपको अपडेट करना है, कोई भी डिटेल आपको चेंज करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आप जो है नॉमिनी है या फिर आपकी जो बैंक डिटेल है, आप कोई भी चीज को यहाँ पर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फोन से घर बैठे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके या नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले इस तरह के और भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।